गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश और चैप्टर नंबर 3 और क्लास फर्स्ट। तो फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं लिए हैं, जिनके पास बुक नहीं है, तो वो भी इस चैप्टर देख सकते हो। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बच्चों के साथ आप थोड़ा सा उनको मेहनत कीजिए, उनको रीडिंग कराइए, समझाइए। जो मैं आपको बता देता हूँ वो आप समझ के उनको करा सकते हैं, और जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो बहुत बढ़िया है, वो तो आप खुद भी करा सकते हो। देखिए द कलरफुल काइंड्स, कलरफुल क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो कलर से भरा हुआ रहता है उसे कलरफुल बोलते हैं, ठीक है। काइट मीन्स पतंग होती है। देखो टुडे इज ए हॉलीडे, टुडे मीन्स आज, आज क्या है ना, छुट्टी का दिन है। हॉलीडे मतलब कब होता है, जैसे संडे इज ए हॉलीडे, जिस दिन हम स्कूल नहीं जाते, तुम छोटे बच्चे हो समझना, जिस दिन हम स्कूल नहीं जाते वो हॉलीडे है। जैसे संडे हो गया, संडे इज ए हॉलीडे, कोई फेस्टिवल होता है हॉलीडे होती है। अमर और मोहित वांट टू फ्लाई ए काइट, अमर और मोहित दो दोस्त होते हैं, वो चाहते हैं वांट टू फ्लाई ए काइट, वो पतंग उड़ाना चाहते हैं। दे गो टू ए काइट शॉप, वो जाते हैं, दे मीन वे जाते हैं काइट शॉप के पास। फिर अमन पूछता है, अमन कहता है आई वांट टू बाई ए काइट, अमन कह रहा है मुझे एक पतंग खरीदना है। शॉपकीपर मतलब दुकानदार वो क्या कह रहा है, व्हिच काइट डू यू वांट, व्हिच काइट मीन्स कौन सी पतंग, कौन सा कौन सी, उसके लिए व्हिच लगता है, कौन सी पसंद आपको चाहिए। अमर कह रहा है आई लाइक ग्रीन, देखो बेटा ग्रीन कलर मैंने आपको कर दिया, जो हरा कलर होती है, आई लाइक ग्रीन कलर, वो कह रहा है मुझे हरा कलर पसंद है। सो आई वांट टू ग्रीन काइट, इसीलिए, सो मीन्स इसीलिए, मुझे क्या चाहिए, ग्रीन काइट चाहिए। तो शॉप पर दुकानदार कह रहा है आई हैव ए रेड काइट, मेरे पास एक हैव मीन्स है, पास है, मेरे पास एक लाल रंग की पतंग है। अमर कह रहा है आई डू नॉट वांट ए रेड काइट, हमें नहीं चाहिए लाल रंग के पतंग, आई वांट ए ग्रीन वन, हमें क्या चाहिए, हमें ग्रीन वाला चाहिए, ग्रीन मतलब ये जो ऊपर जो बड़ा दे रखा है, ठीक है, इधर नहीं, ये तो ब्लू के लिए लिखा हुआ है, ये जो मैंने बनाया ये ब्लू के लिए बनाया, ठीक है। आई वांट ए ग्रीन वन, मुझे इस प्रकार कलर का चाहिए, लेकिन वो कैसे दिखा रहा है, रेड कलर का, जैसे मैंने वो लाइन खींचा ऐसे पतंग दे रहा है, ऐसे क्या वो लेगा, नहीं। फिर शॉपकीपर आई हैव ए ब्लू काइट, जैसे ब्लू रंग का ये दिख रहा है, सी हाउ ब्यूटिफुल इज इट, देखो कितना सुंदर है ये, सी मीन देखना, ठीक है, और ऐसे काइट ब्लू काइट वो दिखा रहा है उसको, सी हाउ ब्यूटिफुल इज इट, ये कितना सुंदर है ये। तो अमर कह रहा है नो थैंक यू, नहीं है धन्यवाद, आई डू नॉट वांट ए ब्लू काइट, मुझे एक नीला नीला पतंग की आवश्यकता नहीं है। आई डू नॉट वांट ए रेड काइट, मुझे एक लाल पतंग की भी जरूरत नहीं है, आई वांट ए ग्रीन वन। बच्चे देखते हो कभी कभी आप जीत लेके बैठ जाते हो, मुझे वही कलर की पतंग चाहिए पापा, है ना, जीत करना अच्छी बात नहीं है बेटा, नहीं करना, जो मिल जाएगा ले लेना। लेकिन यहाँ अमर जीत कर रहा है, उसे ग्रीन कलर का ही पतंग चाहिए, इसलिए उसने कहा कि आई वांट ए ग्रीन वन। शॉपकीपर कह रहा है आई हैव ए येलो काइट, देखो येलो कलर मैंने यहाँ बनाया, पीला है, और इससे पहले कलर्स का नाम मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया बेटा, उससे आप याद कर सकते हो पहले, इसको समझने से पहले। अमर कह रहा है नो आई डू नॉट लाइक येलो, मुझे पीला पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक ब्लू, ना तो मुझे ब्लू पसंद है, ना तो मुझे येलो पसंद है, ना तो मुझे ब्लैक पसंद है, ना तो मुझे रेड पसंद है, अलग अलग रेड क्वेश्चन आएगा। आई लाइक ओनली ग्रीन, उसको सिर्फ ग्रीन ही पसंद है, आई वांट ए ग्रीन काइट, ठीक है, तो ग्रीन कलर ही उसे चाहिए। वो क्या कह रहा है, मुझे और अलग अलग कलर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ना मुझे ग्रीन कलर का ही पतंग चाहिए। और बेटा मैंने आपको बता दिया अलग अलग जो कलर का जो नेम है आपको याद करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, और उसको अच्छी तरह से रीडिंग भी करोगे, रीडिंग करोगे आएगा, रेड मीन्स लाल, ब्लू मीन्स नीला, येलो मीन्स पीला, ग्रीन मीन्स हरा, और ब्लैक मीन्स काला, व्हाइट मीन्स सफ़ेद, व्हाइट का तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। तो आई लाइक ग्रीन, वो उसको सिर्फ किस कलर का चाहिए था, हरा कलर का चाहिए था, आई वांट ए ग्रीन काइट, तो ये पीला नीला क्यों लेगा वो। शॉपकीपर आई डू नॉट हैव ग्रीन काइट, इफ़ यू वांट एनी अदर काइट, एनी अदर, अदर मीन दूसरा काइट, शॉपकीपर कह रहा है मेरे पास ग्रीन काइट नहीं है, यदि, इफ मीन्स यदि, यदि आपको चाहिए एनी अदर, कोई दूसरा पतंग, यू कैन हैव इट, आप उसको प्राप्त कर सकते हो, आप ले सकते हो। मोहित कह रहा है अमर आई कैन सी ए ग्रीन काइट देयर, अब मोहित को दिखाई दे दिया वो, अमर कह रहा है आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ ए ग्रीन काइट देयर, एक हरा कलर का पतंग वहाँ, हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, क्या होता है वहाँ, वहाँ मुझे एक ग्रीन कलर का पतंग दिखाई दे सकता है, ठीक है,
तो अमर कह रहा है यस देयर इट इज, हाँ वहाँ है। तो शॉपकीपर वो आई डिडेंट सी इट, वो कह रहा अच्छा मैंने नहीं देखा था, देखा था ये डिडेंट आ गया, मैंने नहीं देखा। हियर हियर यू आर ओके ये लोग। तो अमर कह रहा है हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है, कॉस्ट मीन्स उसकी लागत या कीमत कितनी है। दुकानदार कह रहा है इट कॉस्ट 5 रुपीज, इसकी जो कॉस्ट है 5 रुपये है। अमर कह रहा है हियर इट इज, ये लो 5 रुपये, 5 रुपीज, थैंक यू, कम ऑन मोहित, लेट अस गो, हमें जाने दो एंड फ्लाइट, हमें जल्दी जल्दी जाने दो और हम उस पतंग को उड़ाएंगे। तो हॉलीडे मीन्स होता है छुट्टी दिन, ए डे व्हेन यू डू नॉट गो टू स्कूल। शॉपकीपर ए पर्सन हु सेल डिफरेंट थिंग्स, जिसे हिंदी में दुकानदार बोल सकते हो। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, नाइस टू लुक एट, जिसको देखने पर सुंदर दिखता है, इसका मतलब ब्यूटीफुल है वो चीज़ है। अब आप क्वेश्चन आंसर में आ जाओ। मैं भी जब स्कूल खुला था बेटा, एक्सरसाइज हो गया था। अमर और मोहित वन टू फ्लाई ए काइट, वो पतंग उड़ाना चाहते थे, खेलने के लिए नहीं और नदी में नहाने के लिए नहीं, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अमर वांट से ग्रीन काइट, पता लग गया। डैश फाइंड्स द ग्रीन काइट इन द शॉप, मोहित, मोहित ने अमर को बोला, फिर अमर को दिखा, तो पहले मोहित ने देखा, ठीक है बेटा, अगर आपने अमर भर रखे हो तो मोहित कर देना। फिर व्हाट डू अमर एंड मोहित वांट टू बाय, तो आप आंसर यहाँ से लिखोगे अमर एंड मोहित वांट टू बाय ए काइट। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक तो पूरे लाइन लिख दोगे, उसके बाद ए काइट, क्लियर हो गया बेटा, लिखना कष्ट करें आप लोग। फायर डू अमर एंड मोहित गो, मतलब अमर और मोहित दोनों कहाँ जाते हैं ना, अमर एंड मोहित गो टू ए काइट शॉप, गो टू ए काइट शॉप, कहाँ जाते हैं, एक पतंग की दुकान में वो जाते हैं, ठीक है। और फाडोज अमर से टू द शॉपकीपर, मतलब क्या कहता है अमर दुकानदार से ना, अमर सेज, क्योंकि ये डज है ना बेटा, एक एस इधर जुड़ जाएगा, तो अमर सेज टू द शॉपकीपर, क्या है सेज, यहाँ टू टू के बाद ये आ जाएगा, टू द शॉपकीपर, यहाँ से लेके यहाँ तक शॉपकीपर, ओके शॉपकीपर दैट, यहाँ पे TH AT, बेटा ये मिट गया है, मैं लिख देता हूँ दैट TH AT TH AT। तो दोबारा सुनो, अमर सेज टू द शॉपकीपर दैट ही वांट्स ए ग्रीन काइट, या ही वांट्स टू बाय ए ग्रीन काइट, वांट्स टू बाय, टू बाय यहाँ भी लिख सकते हो, या ही वांट्स ए ग्रीन काइट, दोनों लिख सकते हो बेटा, सही है। दोबारा देख लो, अमर कहता है, अमर सेज किसे कहता है, टू द शॉपकीपर दैट ही वांट्स ए ग्रीन काइट। डिड अमर टेक ए रेड काइट, अमर को तो चाहिए था, नो अमर टूक ए ग्रीन काइट, ये रेड काइट नहीं है बेटा, अमर टूक ए ग्रीन काइट, GRWM, ठीक है, कौन सी पतंग उसको चाहिए था बेटा, ग्रीन काइट, तो उसने ग्रीन काइट ही लिया, GRWM आ गया बेटा। ये आप चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना, कहीं मिस्टेक है तो आप खुद भी कर सकते हो उसको, ठीक है बेटा। अब नीचे आते हैं, कलर का तो पहचान हो गया, ये हमारा रेड दिख रहा है, ये येलो कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ठीक है ना, वो आप मैच कर देना। उसके बाद देखो चित्रों, देखो ये काइट, ये पतंग दिख रहा है, KIT, ये गन बंदूक, सॉरी ये फिर दूसरा नंबर पे ये एग है अंडे, EGG, फिर तीसरे नंबर पे ये गन है, चौथे नंबर में ये नेक्स्ट है NEST घोंसला जिसे बोलते हैं, और पांचवें नंबर पे ये पेड़ है ट्री। तो पहले नंबर में काइट, फिर EGG ऐसे बनाना, फिर गन, फिर नेक्स्ट, फिर हो गया ट्री, ठीक है। आगे आ जाओ, ग्रामर मैंने बता दिया, ए और एन, ए का यूज जो होता है कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट होता क्या है ना, आपको बताया मैंने, ए से लेके जो जेड तक होती है, सुनो ए से लेके जेड तक कितना लेटर होती है बेटा, 26 लेटर होती है, कितने लेटर होती है 26, उसमें ये 5 हटा देना, AEIOU हटा दोगे तो क्या क्या बचेगा ना, बी बच गया, और क्या बच गया, सी बच गया, और क्या बच गया, डी बच गया, ई छोड़ो, फिर ई एफ एफ आ गया, ऐसे ये सबको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ऐसे कितनी कॉन्सोनेंट होती है टोटल, 21 कॉन्सोनेंट होता है, कितनी वोवेल्स होती है ना, 5,
तो 21 और 5 मिलकर कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, तो मैंने जो ग्रामर में मैंने आपको आर्टिकल भेजा, सॉरी जो भेजा ए एन, उसको आप देख लेना। तो कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल से पहले एन लगाना है, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाओगे, इसको स्वर बोलते हैं, इसको व्यंजन बोलते हैं। अब मैंने भर दिया, देखो यहाँ पे यू आ रहा है, ए ई आई ओ यू, यू आ रहा है तो एन, यहाँ पे ए आ रहा है तो एन, यहाँ पे ओ आ रहा है तो एन, यहाँ सी आ रहा है तो ए, जहाँ जहाँ वोवेल्स आएगा पहला लेटर, ये देखो ये यू आ गया तो एन आएगा, यहाँ पे ए आ गया तो एन आएगा, यहाँ पे ओ आ गया तो एन आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो नेक्स्ट में, ये आगे जो कलर है उसको देखना। फिर एक बातचीत देखो हो रहा है, कैन यू शो मी ए पेंसिल बॉक्स, आप बोल रहे हो दुकानदार, यस हियर इट इज, यू हाउ मच शुड आई गिव यू, शॉपकीपर, ₹15 ओनली प्लीज, और यू थैंक यू। इधर रखा है, सपोज यू गो टू द शॉप टू बाय ए पेंसिल बॉक्स, रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों साथ इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, राइटिंग स्किल में आते हैं। इस बैग को आप देखो, ये पिंक कलर का दिख रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द बैग, ना द कलर ऑफ द बैग इज पिंक, व्हाट डू यू कीप इन इट, आई कीप बुक्स इन इट, इसके बाद यहाँ लिखोगे इन, यहाँ लिखोगे इट। तीसरा, डू यू लाइक दिस बैग, यस आई लाइक दिस बैग, ये आई लाइक दिस बैग, क्लियर हो गया बेटा। शुरू से देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ द बैग, द कलर ऑफ द बैग इज पिंक, व्हाट डू यू कीप इन इट, क्या रखोगे इसके अंदर, ना आई कीप माई बुक्स या बुक्स इन इट, डू यू लाइक दिस बैग, जब डू पहले आ जाता है ना तो येस नो लिखना जरूरी है, येस आई लाइक दिस बैग, आई लाइक दिस बैग। आ गया बेटा, ये मैंने चैप्टर नंबर 3 करा दिया, और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया जा रहा है थोड़ा सा आप इनके साथ मेहनत कीजिए, ये चैप्टर आप पूरा कीजिए, और फ्रेंडली हेल्पर इसको पढ़ सकते हो, आई एम ए पोस्टमैन, आई ब्रिंग लेटर्स पर्सल एंड मनी ऑर्डर्स एवरी डे, इसको रीडिंग आप करना, और योर डॉग लाइक्स ए चेस मी, काइंडली कीप इट अवे, आई एम ए स्वीपर, ये सबके जो हमारे हमारा जो हेल्पर है जो हमें हेल्प करते हैं उनके बारे में दे रखा है। इस पोएम को आप पढ़ना, उसके डिफिकल्ट वर्ड याद करना, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेरेंट्स की सहायता से आप फ्रेंडली हेल्पर आप पढ़ना, ठीक है, पोस्टमैन, स्वीपर के बारे में, डॉक्टर के बारे में, कबलर के बारे में, जो जूता सिलता है ना, मोची जो होता है वो, ओके बेटा। और डॉक्टर क्या होता है पता है, जब बीमार होते हो डॉक्टर के पास सब जाते हो डॉक्टर के पास, और स्वीपर क्या होता है, जो गली गली में जो सफाई करते हैं सफाई कर्मचारी वो होती है, और पोस्टमैन क्या होती है, पोस्टमैन जो लेटर वगैरह जो लाते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं। आ गया बेटा, तो सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है बाहर नहीं जाना, फ्रेंड्स की बात सुनना, और जहाँ तक तो प्रयास है कि ये सब चैप्टर्स को कंप्लीट करना अपने अपने कॉपी में बेटा, ठीक है। आपको तो पता है बेटा, मैं लास्ट में आप लोगों के लिए एक पेंट बनाता हूँ, मुझे तो आता नहीं है, ये देखो ये तुम्हारा प्यारे प्यारे आँखें हैं, है ना, ये देखो ये कौन है, पहले एक सीरियल आता था ना जंगल जंगल पता चला है, वही देख, वो देखो आ गया वही, है ना, मजा आ रहा है बच्चे, अब लोग छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, पढ़ना, ज़्यादा फोन मत चलाना, पेरेंट्स को परेशान मत करना, अगर शिकायत होगा तो फिर मैं डांटूंगा, ठीक है, आप लोग सुन रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।